हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारी यूट्यूब चैनल मॉडर्न जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग 4 जून 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके अगले एग्जाम में मददगार साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कहता है कि हाल ही में कौन विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं जो भारतीय मूल के अमरीकी व्यक्ति हैं। डेविड मलपास, अजय बंगा, अर्जुन श्रीनिवास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अजय बंगा होगा। अजय बंगा भारतीय मूल के अमरीकी व्यक्ति हैं जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। अजय बंगा के बारे में बता दें तो अजय बंगा ये जो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने हैं, और इससे पहले वे विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित होगी? हरियाणा, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद होगा। हैदराबाद में G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो है लव अग्रवाल ने बताया है कि इस बैठक में डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार, सभी के लिए स्वास्थ्य और अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उपायों पर जोर दिया गया है। इन बातों पे डिस्कस हुई है G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में प्रकृति संरक्षण के लिए विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अमेरिका, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात या तुर्की? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात होगा। संयुक्त अरब अमीरात में विश्व संरक्षण कांग्रेस का आयोजन किया गया है, और इसमें कुल 160 देशों के 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है, जिसका आयोजन 2025 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने स्वास्थ्य के लिए संभावित जोखिम वाली निर्धारित खुराक वाली 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत है, चीन है, पाकिस्तान है या अमेरिका? यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज देख के आपको पता चलेगा कि यह भारत सरकार ने 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों हम बता दें कि इन दवाओं में क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इन 14 दवाओं में निमेसुलाइड और पैरासीटामोल, क्रोमेक्सिन, फोल्कोडीन, प्रोमेथाजिन का मिश्रण वाली दवाएं शामिल हैं, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिश्रित होते हैं। इन दवाओं के इस्तेमाल खांसी, सामान्य संक्रमण, बुखार और शरीर में दर्द के उपचार के लिए किया जाता है, और ये सारी दवाएं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जून 2023 को पोषण पोया पर्व किस देश में मनाया गया? कंबोडिया, श्रीलंका, जापान या चीन? तो इसका सही जवाब दोस्तों श्रीलंका होगा। श्रीलंका में पोषण पोया पर्व 3 जून 2023 को मनाया गया है। अब हम बात कर ले कि पोषण पोया पर्व क्या है। तो पोषण पोया पर्व श्रीलंका में
जून महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का दूसरा सबसे बड़ा पर्व, सेकंड सेकंड सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2 या 2 हजार साल पहले आज ही के दिन, यानी कि 3 जून 2023 के ही दिन श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। और हम बात करें कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म की शुरुआत सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में, कटक में, लद्दाख में या पटना में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लद्दाख होगा। लद्दाख में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया गया है जिसका थीम है सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी। और विश्व साइकिल दिवस लद्दाख में मनाने का उद्देश्य है कि कारगिल में प्रदूषण रहित पर्यावरण और सतत और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, हम साइकिल दिवस के बारे में बता दें कि साइकिल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो साइकिल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साइकिल चलाने के लाभों को बढ़ावा मिले और साथ ही साइकिल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पर्व मनाया जाता है, विश्व साइकिल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के छठे तिरुपति बालाजी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? जम्मू में, भुवनेश्वर में, कलकत्ता में या इंदौर में? तो इसका सही जवाब जम्मू में होगा। बता दें कि 8 जून को देश के छठे तिरुपति बालाजी मंदिर का उद्घाटन जम्मू में किया जाएगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन समारोह का आयोजित कहाँ किया गया है? गोरखपुर में, बनारसी में, लखनऊ में या गौतम बुद्ध नगर में? तो इसका सही जवाब बनारसी में होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समापन समारोह मनाया जाएगा। और जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए चयन के लिए एक मंच उपलब्ध हो सके। इन खेलों में पंजाब विश्वविद्यालय ने चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया और कुल 69 पदक के साथ वो शीर्ष स्थान हासिल किया। कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। वही हम बात कर दें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पावर हब कहाँ बनेगा? गुवाहाटी में, किश्तवाड़ जिला में, श्रीनगर में या लद्दाख में? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी किश्तवाड़ होगा। और इस पावर जो हब है, इस पावर हब से कुल 6,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, जो अभी तक की उत्तर भारत की सबसे बड़ी पावर हब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तिलक नगर, शिवाजी नगर, अहिल्याबाई होलकर नगर या बीडी सावरकर नगर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अहिल्याबाई होलकर
रखा जाएगा, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जासूसी उपग्रह लॉन्च किया जो असफल रहा? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान या नॉर्वे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ कोरिया होगा। नॉर्थ कोरिया ने जासूसी उपग्रह लॉन्च किया जो असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोमोडो अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, चिली या कांगो? तो इसका सही जवाब दोस्तों इंडोनेशिया होगा। इंडोनेशिया में कोमोड अभ्यास का आयोजन किया गया है जिसमें चीन की नौसेना भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का डिस्कशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल मॉडर्न जीएस सेंटर आपको पसंद आती है, इसमें प्रोवाइड किया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबके पास पहुंच सके। दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं, चलते चलते हैं।